हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजकीय बांगर महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चुनाव के नाम पर कॉलेज को सीज करने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए पढ़ाई बाधित होने की बात कही है। सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए छात्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कॉलेज परिसर को सीज करके इसका उपयोग चुनाव कार्यों में करने के लिए तैयारियां की जा रही है। ऐसे में जहां उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित होगी तो वहीं सितंबर माह में होने वाली परीक्षाएं भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इन छात्रों ने ज्ञापन में कहा कि कुछ समय के लिए बच्चों की पढ़ाई को बाधित नहीं किया जाए ताकि उनका बस खराब नहीं हो। इन छात्रों ने कॉलेज सीज किए जाने को लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। किस बात को लेकर आएगा कलेक्टर? विधानसभा के चुनाव आगामी नजदीक आने वाले हैं, जिसके तहत सरकार पूरी की पूरी कॉलेज सील कर रही है, परंतु सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि कॉलेज पूरी सील कर लेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे? कॉलेज पूरी सील हो जाएगी, बच्चों भविष्य अंधकार में चला जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल आने वाला है, प्रैक्टिकल में विज्ञान संकाय के प्रैक्टिकल आने वाला है, परंतु कॉलेज सील हो जाएगी, पढ़ेंगे कहाँ पे? बीसीए के लिए कंप्यूटर लैब को भी सरकार ने अपने अधीन ले लिया, जबकि विधानसभा के चुनाव में कंप्यूटर लैब का कहीं पे उपयोग होने वाला ही नहीं है। तो हम सरकार को ये निवेदन करना है कि आदि आप कॉलेज विधानसभा चुनाव में ले लीजिए, 6 विधानसभा लगती है पाली की, तो कॉलेज के पास पर्याप्त जगह है। कॉलेज जिले की सबसे बड़ी कॉलेज है, जिसमें आप आराम से विधानसभा चुनाव भी हो सकता है और सब कुछ आराम से हो सकता है और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी आराम से हो सकती है। किस फैकल्टी से? हम बीकॉम फैकल्टी से, बीसी से, बीए से, बीकॉम सब फैकल्टी से। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।